हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप VVI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि आपको अभी के अभी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला मेरा क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, लोहा को जिंक से लेपित कर देना है, यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण करना है दोस्तों। आप पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है ना, यानी लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा गलत है, संक्षारण नहीं कहते हैं। संक्षारण मतलब जंग लगना, ठीक है दोस्तों। पानी चढ़ाना तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आप विद्युत अपघटन भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यानी बी मेरा है गैल्वेनीकरण, जो कि सही आंसर है। अब हम बात कर लेते दूसरा नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ श्वेत, पीला, हरा, काला। दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद, और सफेद को हम श्वेत भी बोलते हैं। तो मेरा ए सही आंसर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखा हुआ? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? देखिए, जस्ता जो है, जेडन जो है अपना, वो धातु है, क्या है? और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है, HCl। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ZnCl बनेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको याद रहना होगा, रखना होगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, यानी ऑप्शन मेरा सी बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। याद करते जाइएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस देगा धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो। धातु यहाँ पे सोडियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, आयरन रहता, धातु रहेगा ना जो अभिक्रिया करने के लायक हो, अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना बिल्कुल नहीं, मोम का पिघलना, पिघलना तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पेट्रोल का जलना, ये होगा 100% दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, हटा दीजिए। यानी सी मेरा सही आंसर है दोस्तों, सी मेरा सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, साग सब्जी जब विघटित होता है ना तो गर्म गैस निकलता है, यानी उष्मा निकलता है। ऑप्शन देखते हैं, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो उष्मा का निकलना कौन अभिक्रिया होता है? तो उष्मा का निकलना उष्मा क्षेपी होता है, और उष्मा को ग्रहण करके जो अभिक्रिया होता है, यानी अभिक्रिया में उष्मा का जोड़ जो होता है उष्मा शोषी होता है। यहाँ पे करा अभिक्रिया है कंपोस्ट बनना, तो कंपोस्ट बनना उष्मा निकलता है, यानी उष्मा क्षेपी मेरा सही आंसर है, बी ऑप्शन सही, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, छह नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो प्राप्त होगा उत्पाद दोस्तों, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, बी मेरा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा हुआ याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बहुत आसान। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। सातवां, निम्न में से कौन सही है, यानी बाकी गलत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए Na2CO3.S5H2O, ये बिल्कुल गलत है। Na2CO3.10H2O, ये पता है आपको, ये है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है दोस्तों, ये मेरा सही आंसर है, बी। अब आगे बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl। अपघटन मतलब, कहने का मतलब, कोई पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद अभिक्रिया होता है उस पदार्थ में खुद, और वो टूट जाता, अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, पोटेशियम क्लोरेट है ना, यह अभिक्रिया हो रहा है गर्म करने पे या ठंडा करने पे, अभिक्रिया होने के बाद, यानी इसको गर्म करते हैं ना पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोरेट को, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, यानी ये अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ आयरन ऑक्साइड, यानी जो एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन बनाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, परमाणु या परमाणु के समूह जो यौगिक है, यहाँ पे यौगिक में जो परमाणु उपस्थित है आयरन को, उसको एल्युमिनियम क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और खुद बना रहा है क्या चीज, एल्युमिनियम ऑक्साइड।
और आयरन क्या कर हटा दे रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी इसको विस्थापित कर रहा है। ये कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? विस्थापन। ऑप्शन दे देते हैं, विस्थापन विस्थापन विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या उससे अधिक पदार्थ संयोग करके बड़ा सा पदार्थ बनाता है जिसका कुल मूल पदार्थ उनसे बिल्कुल अलग होता है। द्विविस्थापन, जब आयन का आदान प्रदान होगा तो द्विविस्थापन। वियोजन क्या हो जाएगा? जब अपघटित हो जाएगा तो वियोजन, अपघटन एक साथ एक ही होता है। नहीं, अब हम बात कर रहे हैं 10 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण मतलब धातु, आइए अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस देगा ना, बताए आपको। तो ऑप्शन में देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस कौन है? ऑप्शन ए ही तो सही आंसर, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड, बिल्कुल सही। 11 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन संयोजन अपचयन उपशमन शोषी। अरे ऑक्सीकरण तो है ही नहीं, तो आपको याद रखना होगा ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब 12 नंबर देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल बना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, हट रहा है। यहाँ पे अकेले अकेले कॉपर है, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना अवकरण अभिक्रिया, अवकरण को हम अपचयन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही। अब 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा ना तो आयनिक यौगिक बनेगा, या संयोजी इस आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी होगा ना तो सहसंयोजी यौगिक बनेगा, आ कार्बन जिस यौगिक में रहेगा ना उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है दोस्तों, ये विद्युत संयोजी होगा। क्या होगा? विद्युत संयोजी। यानी आप देखते हैं 14 नंबर, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए मेरा सही है, कॉपर जिस पदार्थ से ऑक्सीजन संयोग करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा उस पदार्थ का? ऑक्सीकरण। तो कॉपर से ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए सही, बाकी गलत। ओके अब आगे देख लेते हैं, 15 नंबर, निम्नलिखित समीकरण H2+Cl2 बनाता है HCl। देखिए दो पदार्थ संयुक्त करके एक नया पदार्थ बना रहा है, यानी संयुक्त कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन देख लेते हैं, अपघटन संयोजन द्विविस्थापन विस्थापन, यानी संयोजन पे टिक लगा देते हैं। क्या सही आंसर? 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन मतलब आयनों का आदान प्रदान, यानी क्या कि पद मतलब क्या कर परमाणु अदला बदली कर लेगा। क्या उसके बाद इसके पास, इसके बाद उसके पास, दोनों अदला बदली करना है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं, यहाँ पे तो हो गया संयोजन, यहाँ पर भी हो गया संयोजन, यहाँ पे अदला बदली। देखिए सिल्वर क्लोरीन के साथ चल गया, सिल्वर क्लोराइड बना लिया, सोडियम नाइट्रेट के साथ गया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया, यानी अदला बदली, आदान प्रदान, अब विनिमय, यानी ये क्या हो गया? द्विविस्थापन। अब बात करें 17 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत फास्ट बोल दिया लगता है, फिर भी समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी ये हो गया अपघटन अभिक्रिया। सही, अपघटन बोलते हैं, अपघटन या वियोजन। यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड क्या HCl आदान प्रदान कर रहा है, विनिमय कर रहा है, यानी द्विविस्थापन हो गया। यहाँ पे देखिए आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है और खुद बना रहा है सल्फेट, यानी परमाणु के परमाणु को कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी विस्थापन सी आंसर। अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त? देखिए दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रतिफल बनता है, उसमें से अवक्षेप जो होता है ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, ठोस रूप में मतलब अविलय रूप में, यानी अविलय इसका आंसर। लवण प्राप्त होता है अविलय के रूप में, क्लियर। अब देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण? अपघटन मतलब पता है ना, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आगे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, गलत। पोटेशियम क्लोराइड ये भी अपघटित हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये भी क्या है, गलत। अब देखिए क्या ये दोनों अपघटन अभिक्रिया है ना, हमको पूछा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब दूसरा अभिक्रिया का उदाहरण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके क्या बना रहा है, संयोग करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये संयोजन अभिक्रिया अपघटन तो नहीं है। ऑप्शन सी सही। दोस्तों अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, जितना भी बीबीए क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में,
SST में संस्कृत में सब लाने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स मतलब जो पता है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा ना, वो रिडॉक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग संयोजन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन का संयोग बोलते हैं अपकरण भी है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना अपकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो रहा है, यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।